हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस साल का जो है सिक्किम पर्व त्यौहार जितने भी थे लगभग लगभग सब अब खत्म हो चुके हैं, सब समाप्त हो चुके हैं। तो इस पर्व त्यौहार के दौरान आप लोग यदि नोटिस किए होंगे कि जो मार्केट के जो व्यापारी है वो तो मार्केट में ही है, लेकिन मार्केट के बाहर के व्यापारी जो है वो लोग भी आकर के इस पर्व त्यौहार में जो सीजनल व्यापार होते हैं, सीजन सीजन में जो व्यापार चलने वाला होता वो है, व्यापार करने चले आते हैं। तो दोस्तों जो बाहर के जो व्यापारी होते हैं वो 2-4 रोज के लिए आते हैं मार्केट में, और उनके जो आइटम होते हैं जैसे कि जो आप बाहर रोड साइड में देखते होंगे, रोड साइड में जो जो आइटम बिकते हैं वो आइटम का कारोबार करते हैं, और वो आइटम 2-4 दिन में बेच कर लगभग लगभग वो पूरा ख़त्म हो जाता है, और उसको बेच करके एक अच्छा प्रॉफिट जो है जैसे कि कमा करके वो अपने यहाँ लौट जाते हैं। तो इसमें आपको अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सीजनल व्यापार कैसे करना है। एक तो आपके पास जो दुकान है वो तो है ही है, अगर दुकान ना भी है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप सीजनल व्यापार करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सीजनल व्यापार करने के लिए बस थोड़ा सा हिम्मत चाहिए होता है, थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज नजर आ रहा है मुझे कि आप लोग भी व्यापार कर सकते हैं, सीजनल व्यापार कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, उस तरीके को अपना करके आप इतना जबरदस्त तरीके से सीजनल व्यापार करेंगे कि आपको जो है से कि इतना मतलब हर एक साल मैं सीजनल व्यापार करूं ऐसा ऐसा आपका मन जो है होने लगेगा। लेकिन ये स्टार्ट कैसे करेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो स्टार्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना होगा। अगले साल आप स्टार्ट कीजिएगा रक्षाबंधन के समय में। ध्यान दीजिएगा, जो बहन अपनी भाइयों के कलाइयों में जो राखी बांधते हैं उसको रक्षाबंधन का त्यौहार जो है से कि बोला जाता है। तो राखी का कारोबार जो है से कि वो आप अगर स्टार्टिंग में करते हैं सीजन के स्टार्टिंग में, तो आपको सीजनल व्यापार करने का जो लत है वो लग जाएगा। कैसे लगेगा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, रक्षाबंधन में स्पेशली क्या होता है कि राखियों का व्यापार ज्यादातर चलता है, उसके बाद मिठाई वगैरह। तो मिठाई वगैरह में आप ध्यान मत दीजिएगा, केवल राखी के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। राखी के वैरायटी वगैरह मैनेज करके रखिएगा, सस्ता महंगा मीडियम ये तीन रेंज जो है से कि वो आपको रख लेना है। और राखी लेना कहाँ से है आपको ये आप चीज देखिएगा। तो जो बड़ा शहर रहता है, आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में भी अगर मिल सकता है राखी तो वहां से ले लीजिएगा, या आप जिस जिले में रह रहे हैं उस जिले में एक बड़ा होलसेलर जो है इस टाइप का आपको मिल जाएगा जो राखियों में डील करता हो। तो वहां पर सिंपली आपको जाना है और अपनी बातों को रखना है कि मैं ये कारोबार जो है स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे 10,000-20,000 जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को दर्शाते हुए वहां पे बात रहेंगे। मैं 20,000 का राखी जो है से कि लेने वाला हूँ, अगर 20,000 का राखी मैं अगर बेच पाया तो ठीक है, अगर नहीं बिका तो सीजन तो रक्षाबंधन के कल होके या 2-4 दिन बाद में जो राखी मेरे पास बच जाता है वो मैं लौटा दूंगा। अगर वो ऐसा कहने से मान जाते हैं कि हाँ जो बाकी बचा हुआ राखी जो है वो मैं रिटर्न ले लूंगा थोड़ा पैसा ऊपर नीचे करके, तो आप जरूर लीजिएगा। तो राखी जो है से कि वो बिगड़ने वाला चीज नहीं है, इसमें रिक्स भी नहीं है। आप इस सीजन में नहीं बिकता है तो आप अगले सीजन में बेच सकते हैं, उसको संभाल करके थोड़ा सा जो है से कि उसका ख्याल करके रखना होगा आपको कि एक साल तक इसको हम कैसे बचाए, बस ये चीज आपको देख लेना होगा। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आप 20,000 रुपए का राखी अगर लेकर के आते हैं तो आप 20,000 का सेल जो है से कि वो जरूर से कर लेंगे, और प्लस में प्रॉफिट 10,000-8,000-10,000 जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा वो प्रॉफिट भी रहेगा। और थोड़ा बहुत जो है से कि अगर आपके पास राखी फंसता भी है तो ये टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आपने उसका लगानी जो है वो निकाल लिए हुआ है, और लगानी निकालने के बाद में कुछ थोड़े बहुत जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी ले चुके हैं। अब थोड़ी बहुत राखियां जो है बेचने के लिए अगर बच रही है तो आप उसको जैसे कि कोई चीज जो है कोई राखी जो है आपको 20 रुपये का जो कॉस्टिंग आया हुआ है, तो आप 20 रुपये के कॉस्टिंग पे अगर स्टार्टिंग में 30 रुपया 35 रुपया 40 रुपया में बेच बेच के अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं, तो अब वो 20 का राखी जैसे कि रक्षाबंधन के दिन अब आ चुका है, राखियों का जो है कि लगभग लगभग बाजार खत्म होने को है, तो अब आपको करना क्या है कि वो 20 का राखी 10 में भी बेच ना हो ना तो 10 में भी बेच करके सलटा दीजिए, क्योंकि अगर 10 में बेचते हैं तो भी वो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ही आ रहा है। देखने में तो ये 20 का माल 10 में बेच रहे हैं ये लॉस जा रहा है ना, लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि अगर आपने 20,000 का राखी लिए हुआ है तो रक्षाबंधन के 1 या 2 दिन पहले तक उस राखियों का जो है से कि इन्वेस्टमेंट आप निकाल लिए हुए हैं, 20,000 रुपया जो है उसका लगानी निकाल लिए हुए, अब वो बाकी जो राखी जितना बचा हुआ है वो अब सभी आपके प्रॉफिट में बचा हुआ है, चाहे उसको 10 में बेचिए 20 में बेचिए 25 में बेचिए।
इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जितना में भी बेच रहे हैं ये सब आपका प्रॉफिट रकम जो है वो आ रहा है। तो ये चीज जो है से कि ये बिना रिक्स वाला काम है, आप चाहें तो इसके इसको करके आजमा सकते हैं। मैं करता भी हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगता है। ऐसा कीजिए ना, आप 10,000 से स्टार्टिंग कीजिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत, 10,000 से स्टार्टिंग कीजिए। एक सीजन में 10,000 का ही राखी लेकर के आइए, लेकिन अगर 10,000 का राखी अगर बिक जाता है तो अगले साल आपको जो है से कि नशा बढ़ जाएगा, वो 20,000 का इन्वेस्टमेंट करें, 20,000 बढ़ मतलब जो है से कि बिजनेस आपको बढ़ाने का ही मन करे। तो ये सीजनल व्यापार का ये खासियत है कि आपको 2-4 दिन ही मेहनत करना होगा, और 2-4 दिन की मेहनत में आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है से कि वो मिल जाता है। तो ये हो गया रक्षाबंधन। अब हम रिसेंटली दीपावली की बात करते हैं, भैया दूज की बात करते हैं। तो दीपावली पे स्पेशली क्या बिकता है, दीपावली पे बिकने वाले आइटम जो है कि डेकोरेशन वाले आइटम, जो झालर लाइट वगैरह होते हैं, बत्ती वगैरह होते हैं, और फूल माला की हम बात करें तो फूल माला वगैरह हो गए। उसके बाद में जो है कि माटी का जो दिया होता है, दिया वगैरह बिकता है। तो इन सभी आइटम को एक बार आप देखिए कि कौन से आइटम अच्छा है और मैं बेच सकता हूं। अगर झालर लाइट वगैरह जो होते हैं चाइनीज लाइट, लेकिन इस लाइट की जो है कि सेलिंग काफी अच्छी होती है। तो अगर इस टाइप के लाइट वगैरह बेचने में आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो झालर वाली लाइट का जो है बिजनेस भी काफी अच्छा चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपने दुकान से लेकर के घरों में सजाने के लिए लाइट वगैरह जो है दीपावली के समय में ज्यादा खरीदते हैं। तो आप चाहें तो इस झालर लाइट का भी बिजनेस कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए, अगर आपके पास समय बचता है तो, वरना तो आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है अगर वो बिजनेस अच्छा ही चल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, उसी में रहिए। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा समय जो है से कि वो एक्स्ट्रा बच जाता है तो मैं चाहता हूँ ऐसे कारोबार जो है से कि वो करूँ। तो दीपावली का झालर लाइट भी ठीक उसी तरह है जिस तरह से रक्षाबंधन का राखी वगैरह, ये भी झालर लाइट भी मतलब जो है कि बिगड़ता नहीं है, ज्यादातर चांसेस रहते हैं। अगर आपके पास स्टॉक बच जाता है तो जिस होलसेलर से लाए हुए हैं वहां पर आप रिटर्न भी कर सकते हैं, अगर रिटर्न नहीं करता है तो उसको बांध करके एक अच्छे जगह पे रख दीजिए, जहां पे जैसे कि चूहो वगैरह से मतलब वो जगह सेफ हो, अगर चूहा उस जगह पे गया तो तार वार काट देगा तो फिर आपका नुकसान जाएगा। तो ऐसे जगह से बचा करके रखिएगा, तभी आपका अगला साल दीपावली के ऊपर वो झालर जो बचा हुआ है वो बेच पाएंगे, वरना अगर काट छाट दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आप उसको रद्दी के भाव में बेचिए या जैसे भी करके उसको हटाना होगा। तो ये चीज हो गया झालर लाइट वाला। अब इसमें फूल माला भी बिकते हैं, तो फूल माला में जैसे कि गेंदा के फूल जो होते हैं, असली वाले फूल जो होते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि गेंदा वाले फूल जो है कि अगर बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो वो सड़ गल जाएगा, एक साल तक वो नहीं रह सकता है। तो गेंदा के फूल में थोड़ा सा रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन अगर वही कपड़े वाले फूल देखते हैं तो कपड़े वाले फूल में क्या होता है कि अगर आपके पास बिका, अगर आप उसको बेच पाए तो ठीक है, अगर नहीं भी बेच पाए तो आप उस गेंदा उस कपड़े वाले फूल को बांध करके रख सकते हैं अगले साल बेचने के लिए, या तो होलसेलर को रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न लेने के लिए अगर तैयार है तो रिटर्न दे दीजिए। ये सभी आइटम जो है से कि बिगड़ते नहीं है, इसीलिए मैं आपको इस सीजनल व्यापार का जो है से कि बेसिक वगैरह वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इस बार मैं काफी अच्छा जो है से कि सीजनल व्यापार किया हूँ, जितना मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए हुए थे उससे बढ़ चढ़ के बिजनेस चला है मेरा। जैसे कि मैं भैया दूज पे जो मसाला वगैरह होते हैं, अखरोट वगैरह होते हैं, अखरेट चॉकलेट वगैरह जो भी है वो मैं बेचता हूँ, और साथ साथ ढाका का टोपी, नेपाल का जो राष्ट्रीय पहचान है ढाका टोपी, तो टोपी वगैरह का कारोबार करता हूँ। तो इस दोनों कारोबार में मतलब मेरा कुछ अच्छा प्रॉफिट निकल के आता है। टोपी पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि टोपी अगर नहीं भी बिकता है भैया दूज के ऊपर तो ये मैं अपने शॉप पे रख कर उसको बेच सकता हूँ इजीली, तो इसीलिए मैं टोपी पे ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। और जो अखरोट वगैरह जो आइटम है वो सभी मतलब जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, उसको एक साल तक हम नहीं रख सकते हैं, तो वैसे चीज़ को जो है कि हम जल्दी बेच करके उसको सल्टा देते हैं। तो मेरे पास इस साल जो है कि तकरीबन माल जो है कि मार्केट में ही पूरा माल शॉर्टेज था, इतना ज़बरदस्त व्यापार चला है, मेरे एरिया में इस चीज़ का शॉर्टेज था, लेकिन और एरिया की हम बात नहीं कर सकते हैं। अगर उस भैया दूज के दिन अगर मेरे पास माल रहता तो मैं 15,000 से 20,000 का और सेल निकाल सकता था, लेकिन नहीं था, चलिए कोई बात नहीं, जो भी सेल निकला, जो भी प्रॉफिट निकला, ऊपर वाले के रहम करम से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और काफ़ी अच्छा उस प्रॉफिट को मैं मानता हूँ। तो ये था सीजनल व्यापार के ऊपर थोड़ा बहुत जो ट्रिक, होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।